कर रहा हूँ दीदी के कपड़ों में प्रेस, और अपना तैयार हो रही है और मुझे काम पे लगाया है। एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज है भूपेश का बर्थडे, हमारे घर पे आया है भूपेश और हम लोग रेडी हो रहे हैं। मतलब मैंने इतने कपड़े ट्राई कर दिए, मैं किसी में अच्छी नहीं लग रही हूँ। अच्छी लगने के लिए अच्छा होना ज्यादा जरूरी होता है ऐसा। सही बात नहीं यार, सही कह रही, जो मैं हूँ नहीं एक रद्दी है यार, है मजाक कर रहा। सारी अच्छाई तो नेहा ले गया, और नेहा मेरे कपड़ों में प्रेस लगा रही है। इतना अच्छा हुआ, मैं बहुत ही अच्छा है ये, अभी पीछे साइड नहीं लगाया, अभी वही करता हूँ। क्या कहते हैं, क्या करते हैं? तो हम लोग अभी घूमने जाने लग गए हैं, लेकिन पता है ये मुझे कि हमें कहाँ ले जा रहा है करके। तो हम साथ में ज्योति, नेहा, मानस, भूपेश, शायद भूपेश हमें काठगोदाम ले जा रहा है ऐसा कह रहा है, लेकिन काठगोदाम में ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें कहीं और ले जाएगा। मेरे और भूपी के कलर का कॉम्बिनेशन सेम हो रहा है। चलो भूपी, बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भूपी। बस बस, कोई आगे मरेगा कहीं इतना कहीं गाइस, हम इस लगा रहे था कि हमें आगे तक लेके जाए। हमारे ड्राइवर साहब का बर्थडे आज, सबसे फेवरेट ड्राइवर है मेरा ये ड्राइवर, ये मेरे ड्राइवर है, तो मेरा फेवरेट ड्राइवर तू ही तो है, टॉप लिस्ट में सबसे पहले तू हो गया आज से यहाँ जाने वाला। फाइनली हम लोग अभी पहुंचे हुए हैं स्विस वैली। यहाँ का रास्ता बड़ा भयंकर का था, बहुत मतलब के बाद हमें ये जगह, सिर्फ छोटी गाड़ी आ सकती है, बड़ी भी आ सकती है क्या, एल्टो से बड़ी नहीं आ सकती। सुन लो, तो अभी हम दिखाते हैं आपको एक ब्लॉग कैसा है करके। तो हम लोग पहुंच गए हैं स्विस वैली, मतलब बहुत अच्छा रिजॉर्ट है, फ्रेश एयर। और अभी यहाँ पर नेहा ने अपना फोन नीचे गिरा दिया है, क्योंकि पापा पापा देख लो इसने फोन नीचे गिरा दिया है, नया फोन। लोग जाने लगे हैं ट्रैम्पलिंग में कूद मारने। गाइस हम बहुत थक चुके हैं खेल करके, आज मैं पहली बार इसमें कूदी होंगे, दौड़ लगाने की जरूरत है ना, तीन साल नेहा सिंचन बनी हुई है। मैं तो जब भी मेरा है ओम तो गाइस आज मैं अपना फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने जा रही हूँ, ये एडवेंचर एक्टिविटीज करने जा रही हूँ, देखते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ से आप जाओ, आपको नहीं, ये दीदी ने पहले एक और वीडियो एक और बार चली गई थी, उस टाइम मिनी व्लॉग बन रहा था, तो अब दोबारा जा रही है, अब वाला व्लॉग बन रहा है करके। आप तो फटफट फटफट चले जाओगे वैसे। और जाती है क्या कर रहे हो, ऊपर पकड़ो ना। ओ माय गॉड, भूपी भाई आगे हमारे मैदान में उतर गए। हाँ भूपी, ओ चल दीदी, क्या कर रहे हो, भूपी ने दौड़ लगा दिया, इसमें जाना, इसमें जा, इसमें तो छी जा भूपी। दीदी वैसे तो नहीं, भूपी की वजह से जा रही है। यार तीनों दिन पूरा ये पूरा है, यार दिखाया दिखाया है, सब दिखाया है। अच्छा साहब तो एक ही हुआ, तभी रोज है। चल भूपी अब तेरी बारी।
लो जल्दी आओ गधा पूछो थी। अब दीदी मैं तो कहता हूँ तू मत जा भाई, तेरे नए जूते खराब हो जाएंगे। क्यों क्या खराब होंगे, तो चलने पड़ेगा यार। वो जाता है भाई, थोड़ा वो तो होता ही है। आड़े ताड़े आड़े तेरे पड़े तो मत सोचते ना हमारे पाँव में तो खराब। चलो 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 चुप रह तू। दीदी आज अपनी मुंडी डालो बाहर। पुप्पी डर चुके हैं और अब बड़े भाई कह रहे हैं यहाँ से खानों को पकड़ो, तार मत पकड़ो। पुप्पी को तो यही डर लग रही है। हाँ हाँ दोनों को दिखा रहा हूँ। पुप्पी भाई ने अपने नए जूते खोल दिए। दीदी अब रुको फिर यहाँ पे। मानस ने दांत लगा दी पुप्पी के पीछे और दीदी यहाँ पहुंच चुकी है। भाभी दांत लगाओ। पुप्पी जूते साफ करे जा रहे हैं पुप्पी के यहाँ। फेंक देना, चुप फेंक। चल दीदी तो वहां पहुंच गई है। ये तो भरवा भरवा दौड़ जाएगा अभी देखना। नीचे का पकड़ना है, यहाँ पे पकड़ना है ऊपर का। ज्योति दी इसके बाद हम दोनों। भाई वही तो ही ना माना नहीं बनाया। अब दीदी को रुको। बनाई हम लोगों ने यहाँ, हम सभी लोगों ने बहुत ज्यादा मस्ती करने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकलने लग गए हैं। टाटा। अब हम मतलब कहीं और जा रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन यही बहुत मजा आया यहाँ। हाँ तो इसके बाद हम लोग आ गए गधेरा देखने के लिए, जो जो हम रोज देखते थे बट हल्द्वानी में। ये अच्छा ये नहीं दिख रहे, वो आप पीछे गधेरा देख सकते हो। आने लग गए हैं वहाँ से, उतनी मस्ती करने के बाद भी इन लोगों का पेट नहीं भरा है। अब हम लोग जाने लग गए फाइन डाइनिंग, मतलब मुझे फाइन करो। तो अब हम लोग जाने लग गए फाइन डाइनिंग, नेहा को वहाँ फाइंड करना है। हम इसे पहले छुपा देंगे और फिर वो हमें ढूंढेंगे, तभी उसका नाम फाइन डाइनिंग पड़ा है। और ये भूखी ज्योति जी बता रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू फॉर द डेकोरेशन। तो आपको मैं ले चलती हूँ फाइंड मी के अंदर। तो यहाँ छोटे छोटे से कमरे हैं और ये नाइस सेम जैसे पुराने वाले घर होते हैं जिस टाइप के, जैसे हमारा एक मंजिले में वो होता है मिट्टी के, तो सेम वैसा ही है। लेकिन उसको इतना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है कि बहुत ज्यादा अच्छा। मैं तो बैठ के उसे दिखाती हूँ। यहाँ पर अभी शुरू होने लग गई है केक कटिंग की तैयारी। पुप्पी बहुत एक्साइटेड है अपना केक कट करने के लिए, है पुप्पी? बहुत बहुत। टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू, एक अच्छा हैप्पी बर्थडे डियर पुप्पी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे।